मुंगेर जिले में विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर पुलिस फायरिंग, युवक की मौत तथा 8 लोगों को गोली लगने एवं पथराव में घायल होने के बाद मुंगेर के प्रशासन पीड़ित परिजनों के पास नहीं पहुंचा। चुनाव में व्यस्त रहा, 48 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन जब परिजनों के पास नहीं पहुंचा तब मुंगेर के लोगों का सब्र का बांध टूट गया। मुंगेर के लोग कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहा पट्टी पहुंचे। मुंगेर में जस्टिस फॉर अनुराग की मांग को लेकर युवाओं ने जो प्रदर्शन शुरू किया था वह प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले लिया है। जगह जगह तोड़फोड़ आगजनी किए जा रहे हैं। एसपी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद थाने पर पथराव किया गया। पूरब सराय थाना में आग लगा दिया गया है। थाने की गाड़ियों में आग के हवाले किया गया है। मुंगेर में दुर्गा पूजा विसर्जन में पुलिस के द्वारा गोलीबारी करने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया था। उस गोलीबारी में एक युवक की मौत भी हुई थी। घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी जब प्रशासन परिजनों से मिलने नहीं आया तब वहां के लोगों ने आक्रोशित होकर जस्टिस फॉर अनुराग की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए। लगभग 1000 की संख्या में भीड़ तब्दील हो गई। हजारों युवा मुंगेर की सड़कों पर उग्र रूप धारण कर लिए। मुंगेर में जगह जगह तोड़फोड़ किया जा रहा है। मुंगेर के पास वासुदेवपुर थाना को भी आक्रोशित भीड़ ने घेर लिया है। वहां पर भी पथराव किए जाने की खबर है। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।